हाँ जी तो हम थोड़ा सा जितना कर सकते हैं जब तक भारती जी आएंगी हम अच्छी सेहत के बारे में जानते हैं थोड़ा सा हम हम लोग क्यों इतना आ, इंसिस्ट करते हैं इतना क्यों बोलते हैं हम कि हेल्थ अच्छा होना चाहिए आप लोगों ने कभी सोचा है सैजल जी आपको पता है आपको पता है हमें हेल्दी क्यों होना चाहिए हम जाते चाहते क्योंकि सेहत जब अच्छी होती है तो हमारी अच्छी क्वालिटीज बाहर निकलती है हमारी एक तो अच्छाइयां निकलती वो भी क्वालिटीज ही हो गई और जो वर्चूज होते हैं ना वर्चूज मींस पॉजिटिव चीजें हमारे में होते हैं वो सब दिखने लगते हैं हमारे अच्छे सेहत से इसलिए सेहत का अच्छा होना बहुत जरूरी है ये चैलेंज है आजकल टू हैव ए गुड हेल्थ कुछ लोग बहुत हेल्दी लगते हैं हमको हम सोचते हैं ये भी हेल्दी वो भी हेल्दी कोई प्रॉब्लम नहीं है मगर मेनी मेनी uh, काफी जो एडवांस्ड डॉक्टर्स हैं वो कहते हैं आजकल जो दिखता भी नहीं है उसमें भी कुछ न कुछ बीमारी होती है हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम बहुत स्वस्थ है हमको कुछ नहीं है या अगला भी बहुत सब सब कुछ करता है एक्सरसाइज करता है योगा भी करता है एवरीथिंग ही और बाहर से भी लगता है पर कभी कभी जो बिल्कुल कुछ नहीं करते एक्सरसाइज नहीं करते कुछ नहीं करते योगा नहीं करते अपने लिए कुछ भी नहीं करते प्राणायाम नहीं करते साधना नहीं करते Yet they feel they are healthy. और वो कहते हैं हमें क्या हो, हमें क्या जरूरत इन चीजों की हम तो फिट है अगर ऐसा सोचना सही नहीं है क्योंकि आजकल बहुत से लोग लोगों का गॉड फॉरबिड जो भी कोई उनमें वृद्धि होती है आ, क्या बोलते हैं उसको एलमेंट होता है आ, तूशा, तूशा, हाँ कोई कमी होती है वो छिपती है दिखती नहीं है और जब वो दिखती है तो बहुत देर हो चुकी होती है उसको ठीक करने में ऐसा है सो वी द वेरी बिगनिंग हमें शुरू से ही इसको गारंटी नहीं देनी है कि हम बिल्कुल सही हैं, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है जरूरत सबको है होलिस्टिक कुकिंग का खाना खाने की और सेहतमंद रहने की टू नो योगा करने की प्रिकॉशन लेने की पौष्टिक आहार खाने की जो हम इस कोर्स में बताते हैं कैसे बनाते हैं सही आहार खाने की जो हम उनको दिया इस कोर्स में देते हैं कि हमें आप लोगों को क्या क्या खाना चाहिए अपनी प्रकृति के हिसाब से ये सब इसलिए जरूरी है क्यों क्योंकि हमको पता नहीं है किसी को नहीं पता है कि अंदर क्या हो रहा है तो वी कैन नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड तो हमें ये जानना जरूरी है कि हमें खाना कब खाना चाहिए किस समय खाना चाहिए और क्या का कब कब खाना चाहिए टाइमिंग के हिसाब से हमें सुबह क्या खाना है दिन में क्या खाना रात में क्या खाना सही खाना खाएंगे मगर क्या खाएंगे टाइम के हिसाब से कितना खाएंगे ये भी हम आपको बताएंगे इस कोर्स में फिर हम आपको इस कोर्स में ये भी बताएंगे कि अल्कलाइन पानी कैसे बनाते हैं अल्कलाइन वाटर कैसे बनता है अगर आपको तो एसिडिटी हुई है उसको दूर आप कैसे करेंगे ठीक है तो उससे आपको दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप परहेज भी साथ-साथ करेंगे तो आप अच्छे रहेंगे स्वस्थ रहेंगे एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग गुड और क्योंकि हम पौष्टिक आहार खाएंगे तो हमारी अच्छा यहाँ हमारे अच्छी सेहत के साथ साथ हमारे अच्छे गुण भी बाहर आते हैं दिखते हैं लोगों को ठीक है तो आप ये सब हम आपको और भी बताएंगे फिर हम आप इसमें हम लाइफ स्टाइल अः सतवा के बारे में भी बताते हैं कि कौन सा लाइफ स्टाइल कैसे बरकरार रखना है अगर आप सतवा तमस ये तीनों हमारे में है तीनों हमको जरूरत है उनकी कुछ ना कुछ काम वो करते हैं मगर उनको हमें हाथ से बाहर नहीं निकलने दें किसी को भी आगे नहीं निकलने देना है कोई एग्रीवेट नहीं होना चाहिए कम ज्यादा नहीं होना चाहिए तो उसको खाने के माध्यम से ही उनको कैसे हम सही रखें ठीक है तो इसके अलावा हम बहुत कुछ और भी बताते हैं पर मेरा टाइम खत्म हो गया भी भारती जी आए हैं और उनका टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको बताएंगे भी भारती जी Over to you. क्योंकि इसका इंट्रोडक्शन का तो हम रोज ही बताते रहते हैं इनका जाना नहीं चाहिए भारती जी okay, okay. जी तो आज हम जानते हैं चवन प्रास के फायदे तो अब ठंड का मौसम आया है तो फिर सब इस समय पे चवन प्रास खाते ही हैं कई लोग तो साल भर ही खाते हैं तो सब में कितना एडवर्टाइज़ आता है ना टीवी में पेपर में पेपर हर जगह चौन प्रास का इतना अच्छा-अच्छा एडवर्टाइज़ आता है और कहते भी हैं चवन प्रास खाओ और फिर इम्यूनिटी आपकी बढ़ जाएगी ताकत आपको मिलेगी है ना तो च्यवन प्रास खाने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा है ना और तुरंत ही उसमें ताकत आ जाएगी तो सबको च्यवन जरूर खाना चाहिए तो एक चम्मच कई सारे लोग बोलते हैं ना तो इसके बारे में आयुर्वेद में सच में क्या बोला है वे सब हम अभी जानेंगे है ना तो च्यवन किन लोगों को खाना चाहिए वह किन लोगों को नहीं खाना चाहिए है ना इससे बच के भी रहना है क्योंकि हर चीज हर को फायदा नहीं करती है है ना ऐसा आयुर्वेद आयुर्वेद कहता है तो यहाँ हम बात करेंगे जो आयुर्वेद की संहिताओं में लिखा है चरक संहिता में रसायन अध्याय का जो पहला पार्ट है उसमें चवन प्रास के बारे में डिटेल में डिटेल वर्णन किया गया है और उसके बारे में अपने अपने उसके बारे में एक स्टोरी भी आ, सुनी हुई होगी कि चवन प्रास जो है वह चवन ऋषि के नाम से एक ऋषि थे उनका नाम था उन्हीं के नाम उन्हीं ने उन्हें बनाया था है न? और वे बहुत बूढ़े हो गए थे फिर बाद में उन्होंने चवन प्रास का सेवन किया है ना और चवन प्रास का जो सेवन करने से फिर वे यंग हो गए जवान हो गए और उनकी जो धातुएं हमारी सात प्रकार की जो धातुएं है वो अच्छी हो गई है ना तो उनका शरीर भी बहुत अच्छा हो गया शरीर में ग्लो आ गया तो और उनके बाल हैं, ब्रेन है, है ना सभी अच्छा हो गया ऐसे एक स्टोरी है और चवन प्रास के ऋषि के कारण ही इनका जो नाम है वह चवन प्रास पड़ा तो चवन प्रास खाओ इम्यूनिटी बढ़ाओ है ना चवन प्रास क्या सबके लिए अच्छा है फिर रोज खाली पेट क्या चवन प्रास खाना चाहिए तो हम इसके फायदे जानते हैं तो ऐसे लोगों को जिनको खांसी आती है ऐसे लोग जिनका सूखी खांसी आती है या फिर खांस खांस कर उनकी जो हालत खराब हो जाती है एकदम सूखी खांसी आती है गले से कुछ नहीं निकलता पर खांसते खांसते एकदम बेहाल हो जाते हैं है ना और या सीने में घड़घड़ की आवाज आती है मान लो कफ भरा है तो वो कफ निकलता नहीं है और खांसते जाते हैं तो अब खांसने के साथ साथ चाहे कफ निकलता हो या ना निकलता हो है ना ऐसे सभी को इस तरह की खांसी में विशेष कर एक और अः जरूर ही च्यवनप्रास इनको खाना चाहिए फिर और एक है श्वास की बीमारी जिनको ब्रीदिंग लेने में ब्रीदिंग में प्रॉब्लम है है ना श्वास लेने में कोई ना कोई तकलीफ है चाहे वो किसी बीमारी की वजह से हो या फिर कोई इंजुरी के कारण हो है ना तो ऐसे प्रॉब्लम के लिए भी आप जवन प्रास ले सकते हैं है ना तो जैसे ब्रोंकाइटिस है या अस्थमा है या फिर एलर्जी की तकलीफ है कोई भी या फिर सीजन कोई चेंज होता है तो श्वास की तकलीफ हो जाती है, है ना? तो फिर या जिनको बहुत ज्यादा जैसे कोई लोग बहुत सिगरेट पीने की आदत होती है उनको बहुत जल्दी से जो है वो ब्रोंकाइटिस है है ना ऐसी बीमारी होने का खतरा रहता है तो इन इस दो जो बीमारी है उसके लिए बहुत अच्छे हैं तो ऐसा चरक संहिता में लिखा हुआ है कि इनके लिए चवन प्रास खाना बहुत अच्छा है और ऐसे लोग जो बहुत कमजोर हो जाते हैं सूखते चले जाते हैं अब चाहे वह किसी बीमारी के कारण हो या फिर कमजोरी के कारण मान लो कभी कभी एक्सीडेंट हुआ है कभी हमारा एक्सीडेंट हुआ है या फिर उसके कारण कहीं ऑपरेशन हुआ है है ना? तो अब शरीर क्या होता है सूखने लगता है किसी कारण से या फिर कई पेशेंट बोलते हैं डॉक्टर से ये कहते आपने भी सुना होगा कि मैं पहले बहुत अच्छा था फिट था मुझे कभी लूज मोशन हो गया कोई बीमारी हो गई बुखार आ गया या मुझे कोई इन्फेक्शन हो गया हो गया था या फिर चिकनगुनिया जैसे रोग हो सकते हैं है ना तो इसके बाद वो कहते हैं कि इसके बाद से मेरा जो शरीर कम होना चालू हुआ वह समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ है फिर प्रोटीन है पाउडर खाया मल्टीविटामिन खा लिया टॉनिक खा लिया है ना जिसने जो भी बोला सब कुछ वे कर लेते हैं फिर भी शरीर सूखता ही चला जाता है मतलब कमजोर हो जाता है जब इस तरह की तकलीफ होती है शरीर सूखना चालू होता है या कमजोर होना तब ये जो दवा है वो बहुत अच्छा असर उनके लिए करता है है ना या फिर कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर के पास आते हैं उम्र वाले जैसे उसके बाद शरीर अचानक से दुबला पतला हो जाना चालू हो जाता है तब ये तब भी बहुत अच्छा है है ना और जो बच्चे को ब्रेन बढ़ाना है या फिर उनका शरीर बढ़ाना है उनके लिए भी यह अच्छा है और फिर बहुत वृद्ध उम्र बढ़ने के कारण जैसे कुछ बीमारियां आती हैं जैसा हम जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ क्या होता है है ना तो यह उम्र बढ़ने के साथ क्या होता है तो यह हम होलिस्टिक कुकिंग में सीखेंगे कि हमें वात पित्त कफ किस समय में किस उम्र के बढ़ने के साथ साथ यह बढ़ता जाता है और कम होता है फिर आपके शरीर की धातुएं भी इसमें सूखने लगती हैं इसलिए उम्र बढ़ने के साथ साथ फिर जिस वजह से जॉइंट पेन है जैसे वात के कारण जॉइंट पेन आना शुरू होता है और शुक्र धातु है वाचन कम होता है है ना तो चवनप्रास एक अच्छा श्रोत है जैसे मान लो हमारे अंदर वायु ज्यादा है तो मान लो जैसे पंखा चल रहा है और पंखे के नीचे हम कोई भी गीला कपड़ा रखते हैं तो वो सूख जाता है है ना तो उसी तरह से तो फिर उनके ए, जो एक और शब्द आता है आयुर्वेद में वह बाला नमक अर्थ वर्धनम तो उन अगर उन बच्चे की जिनकी ग्रोथ उतनी नहीं है या फिर ग्रोथ को आ, आ, फिजिकल ग्रोथ नहीं है या फिर मेंटल भी ग्रोथ नहीं है तो उनको कई लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही जब हाइट बढ़ानी हो तो अंग की भी ग्रोथ करनी है है ना तो ऐसे में चवन प्रास उनके लिए बहुत बहुत अच्छा है फिर कई बच्चों के मानसिक रूप से भी कई बच्चे वीक होते हैं कमजोर होते हैं है ना तो मन-बुद्धि के ऐसे बच्चों को भी हम चवन प्रास दे सकते हैं जो दिमाग को बढ़ाए है ना तो ऐसा चरक संहिता में कहा है कि आगे कहते हैं जिनको गले का कोई रोग हो गया है जैसे जिनको गले से ज्यादा बात करने की या फिर अनाउंसमेंट करने के जोर जोर से चिल्लाने की वजह से यदि गले में कुछ खरास आ गई है तो उनके लिए भी यह चवन प्रास बहुत अच्छा है फिर सीने के ऊपर के जो बीमारियां हैं उनके लिए यह बहुत यूजफुल है फिर जिनको हार्ट की कोई बीमारी है या हार्ट की बीमारी भी में भी यह समझना होगा कि जिनका हार्ट मान लो कमजोर है और जो दुबले पतले हैं उनके उनको हृदय की तकलीफ है तो ये उसमें यूजफुल है अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो उसमें यह यूजफुल नहीं है हाँ अभी बताते हैं चवन प्रास जो है वह सुबह सुबह खाना चाहिए है ना फिर आपके शरीर का टॉनिक भी शरीर को आपको टॉनिक भी चाहिए है ना तो कोलेस्ट्रॉल में शरीर को कम करना होता है फिर कमजोर के लिए अच्छा है हार्ट का रिदम जैसे हार्ट धड़कता है कभी ज्यादा धड़कने लगता है कभी कम होता है कभी मीडियम तो ऐसे लोगों के लिए भी यह अच्छा है च्यवन फिर वात रक्त नामक एक जो बीमारी होती है जिसमें आपने सुना होगा कभी कभी उंगलियों में उंगलियों की जोड़ों में जो दर्द होता है है ना और फिर जो लोग पंखे के नीचे ज्यादा देर बैठते हैं उस तरह की बीमारी के कारण भी ये जो रक्त है वायु के कारण भी ये जो रक्त है वह दूषित हो जाता है है ना इस तरह की बीमारी में भी ये जो है वह अच्छा काम करता है फिर चरक संहिता में भी एक और बात बताई है कि जिनको बहुत बार बार प्यास लगती है उनके लिए भी यह अच्छा है और फिर मूत्र रोग है या यूरिनरी, यूरिनरी सिस्टम के बीमारियों के लिए भी यह अच्छा है और जिनको दिमाग का पावर बढ़ाना है उनके लिए तो यह अच्छा ही है फिर चेहरे के निखार भी लाता है यह और ताकत भी अच्छी रखता है है ना तो और हृदय के लिए भी अच्छा है क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ ये कमजोर होता है फिर उनके लिए अच्छा है और क्योंकि यह चेहरे पर निखार भी लाता है और वायु का अनुलोमन भी करता है शरीर से वायु को निकालता है फिर इतनी सारी कंडीशन में आपके लिए चवन प्रास तो 10 तो से 12 ग्राम सुबह खाली पेट हम खा सकते हैं जितना खाने में आपको यद भूख से इम्पेक्ट ना पड़े उतना ही थोड़ा खाएं और उसके जैसे ही वो चवन प्रास पच जाए उसके बाद हम नॉर्मल खाना खा सकते हैं या दूध भी ले लिया और उसके बाद नॉर्मल खाना भी हम खा सकते हैं तो 10 से 12 ग्राम के आसपास हम खा सकते हैं और वो उतना हमको हजम हो जाए उतना फिर एक बात और जानते हैं कि ये चवन प्रास हमें कहीं एक कहानी और सी होती है कि जैसे एक आपने सभी ने किया ही होगा हमारे घर में मान लो यदि चूहा है तो चूहे को पकड़ने के लिए हम उसे लालच देते हैं कि उसके जाली में रोटी या फिर टमाटर कुछ भी रखते हैं और वो चूहा देखता है तो उसे वह फिर खाने के लिए आता है और फंस जाता है है ना तो उसी तरह चवन प्रास के साथ भी है अब च्यवन प्रास के बहुत सारे फायदे हैं और फायदों को सुनने के बाद लगता है कि अब तो बस च्यवनप्रास लेके आना है और फिर हमें उसे खाना शुरू कर देना है है ना तो इस तरह का दिमाग में जो आता है या फिर टीवी में जब कंपनियां बताती हैं कि च्यवनप्रास खाओ तो इम्यूनिटी बढ़ेगा बीमारियों से बचे रहोगे ताकत आएगी सुनने में बहुत अच्छा लगता है <laughs> पर किसे खाना है और क्यों खाना है यह कोई नहीं बताता है ना तो ऐसा आयुर्वेद बताता है तो इम्यूनिटी के नाम पर बस चौवन बिकता रहता है है ना फिर किसे खाना है ये तो जानना है जो लोग बहुत दुबले पतले थे हैं उनको फायदा मिलता है ये जो दुबले पतले नहीं है वे इसे ना खाए तो ज्यादा बेहतर रहता है क्योंकि उनका शरीर ऐसे ही बढ़ा हुआ है और इसका क्या काम है तो यह अंग वर्धन का काम करता है मतलब शरीर को बढ़ाता है क्योंकि कमजोर लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद है फिर नरिशमेंट देने का भी यह काम करता है शरीर को बढ़ाने के काम करता है और जिनके शरीर का नरिशमेंट हुआ हुआ है ऑलरेडी उनके लिए अच्छा नहीं है जैसे कोई फैटी लीवर का पेशेंट है वो चवन प्रास खाएगा तो नहीं चलेगा है ना उसको सूट नहीं करेगा फिर जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है डायबिटीज है पीसीओडी है है ना हाइपोथरिज्म है है ना मोटे लोग हैं चर्बी जिनकी ज्यादा है है ना जिनका खाना हजम नहीं होता है है ना इनको यदि इम्यूनिटी चाहिए तो चवनप्रास के बदले में हम दूसरा चीज टॉनिक खा सकते हैं है ना और जैसे मोटे लोग हैं मान लो उन्हें तो बिटर टेस्ट के हो तो वे रसायन उनके लिए बहुत अच्छे होते हैं बिटर टेस्ट के रसायन जो वजन भी उनका कम करेंगे जैसे गिलोय का रस है है ना और फिर तुलसी लेना है तो ठंड के लिए मान लो में बहुत गर्मी है तो ठंडी होने के लिए हम तुलसी ले सकते हैं फिर जिनको खाना हजम नहीं होता उनके लिए हरड़ का पाउडर भी अच्छा है है ना? दो चुटकी हरड़ पाउडर और एक चुटकी अः सेंधा नमक डालकर हम खा सकते हैं फिर जिनको गर्मी लगती है वो वे लोग खा सकते हैं ना जो थोड़े हेल्दी हैं उनको <coughs> उनके लिए आंवला अच्छा है फिर आंवले के साथ हम हल्दी भी ले सकते हैं ना एक चम्मच आंवला वन फोर हल्दी और एक चम्मच शहद है ना इसको हम ले सकते हैं इस तरह से जब आप करेंगे तो ज्यादा फायदेमंद होगा है ना चरक ऋषि कहते हैं कि हर आदमी अलग है हर व्यक्ति का नेचर अलग है है ना तो उनको अलग अलग चीज सूट करती है सभी लोगों को ये एक ही चीज सूट नहीं करती है तो एक चीज का नाम सुना और बस खाना शुरू कर दिया है ना तो ऐसे में उन्हें फायदा नहीं मिलेगा है ना तो इस तरह से हम चमनप्रास का उपयोग कर सकते हैं क्योंकि तो आपने देखा ही होगा है ना घर में इतने लोग रहते हैं हर चीज हर चीज हर को सूट नहीं करती है तो ये आप जब हॉलिस्टिक कुकिंग का कोर्स करेंगे तो उसमें आप जानेंगे कि कौन सा चीज किसके लिए अच्छा है और कौन सा चीज किसके लिए अच्छा नहीं है और उन्हें आ, किस तरह से बनाकर हम उ, बनाएंगे उसे तो वो सबके लिए अच्छा रहे है ना तो इस तरह से हम सीखते हैं तो आप जरूर हॉलिस्टिक कुकिंग का कोर्स करिए जो 26 से 28 नवंबर को हो रहा है और ये तीन दिन का है और दो दो घंटे का है और इसकी डोनेशन राशि बारह सौ रुपए जब तो आप ये बारह सौ रुपए देते हैं तो वो आपके कोई भी अच्छे काम के लिए ही जाता है फिर आपको उसका पुण्य भी मिल गया और आपको नॉलेज भी मिला है ना तो इस तरह से आप जरूर इस कोर्स को करिए और समय का फायदा उठाइए क्योंकि ऑनलाइन है तो आपको कहीं जाना भी नहीं है घर से ही आप कर सकते हैं ठीक है और यदि कुछ है तो हम पूछ सकते हैं हरड़ पाउडर के साथ है ना एक दो दो चुटकी जैसे मान लो हमने हरड़ पाउडर लिया है तो उसमें एक चुटकी सेंधा नमक डालकर हम एक बार में खा सकते हैं और यदि हमें उसे थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो दो और एक की रेशियो से हम हरड़ पाउडर और चुट अः सेंधा नमक को मिलाकर रख सकते हैं और फिर उसको दो से तीन चुटकी हम उसे या वन फोर टी स्पून हो जाएगा वो तो उसे खा सकते हैं है हाँ जैसे हमने चवन प्रास खाया है तो उसके तीन घंटे बाद तो नाश्ता हल्का नाश्ता कर सकते हैं दूध ले सकते हैं है ना और आप हॉलिस्टिक कुकिंग में आई हैं तो आपको और ज्यादा डिटेल में पता चलेगा कि उस आप और क्या क्या कर सकते हो है ना सुबह खाना अच्छा है च्यवनप्रास है ना खाली पेट दस से ग्यारह ग्राम एक चम्मच खा लिया काफी है ठीक है आंवला के साथ है ना हम आंवला पाउडर ले लें एक चम्मच एक वन फोर हल्दी और उसे शहद में मिलाकर भी हम खा सकते हैं चवन प्रास के बदले मान लो जैसे कोई थोड़े हेल्दी है ना इन लोगों को सूट नहीं करता है वे ऐसा खा सकते हैं क्योंकि ये तीनों नेचुरल है और वो कोई नुकसान भी नहीं करेगा है ठीक है क्योंकि आंवला भी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है नेचुरल तरीके से और आयुर्वेदिक डॉक्टर कहते हैं एक डॉक्टर थे उन्होंने बताया था कि आंवला के साथ शहद को डुबा कर भी रख सकते हैं और अदरक है ना इन सब डुबा कर रख सकते हैं और शहद में ही और फिर एक एक चम्मच हम सुबह खा सकते हैं उसे आंवला लिया और फिर एक किलो शहद एक किलो आंवला ऐसा डाल के भी हम खा सकते हैं अदरक थोड़ा सा डाल के। चवन जैसे, ठीक है तो अभी हमारा एक सेशन और है। सवा छह बजे तो आप सब उसमें जरूर करिए सरि सरिता जी का है और अच्छा नॉलेज सेशन है ठीक है तो अब हम चलते हैं सोनिया जी हाँ हाँ छोटी हरड़ भी ले सकते हैं हाँ उसको हम थोड़ा आग में अः हरड़ को ना थोड़ा सा आग में हम भूल भून भी सकते हैं उसके बाद वो और अच्छा टेस्ट हो जाता है उसका हल्का हल्का तो और मतलब उसकी खुशबू अच्छी आने लगती है तो उसको हम भून सकते हैं हाँ सीधा नमक डाल सकते हैं या हम उसको ऐसे ही खा सकते हैं ना भूना हुआ रहेगा जैसे खड़ा हरड़ है उसी को हल्का सा भून लिया तवे पे या सूखी कढ़ाई पे फिर उसको खा लिया ऐसा भी हम कर सकते हैं ना तो आप सब्बीस सब छब्बीस से 28 का जो कोर्स है उसे करिए और बहुत सारे आपको डिटेल में आयुर्वेद के बारे में पता चलेगा आपके वाद पेद कफ के बारे में है ना ठीक है सोनिया जी हाँ हाँ बोलिए हेलो हाँ वो हम कर सकते हैं ना क्योंकि अभी सवा और है हाँ यही लिंक रहेगा यही लिंक है तो अच्छा यही लिंक है चालू रहेगा ओके ओके जिनको हाँ, हाँ। रोकना है खा लो आप फिर उसके दो तीन घंटे बाद नाश्ता करो सुबह सुबह छह बजे या सात बजे ऐसे चवन प्रास्त खा लिया फिर उसके दो तीन घंटे बाद नाश्ता कर लिया नहीं हर पाउडर तो हम खाली पेट खा खाली पेट भी खा सकते हैं और ऐसे भी जैसे मान लो कभी कभी गले में खरास हो रही, हो रही है तो भी हम उसको मुंह में ऐसी ही भून के खा सकते हैं और खा, खाली पेट भी खा सकते हैं सुबह सुबह खाने से ज्यादा अच्छा है ना और यदि खांसी है गले में कुछ खरास है तो हम उसे भून कर सुपाड़ी जैसे मुंह में दबा सकते हैं तो ना मैं मैंने स्टोरी लिखी थी वो पढ़ू क्या अभी बोल सकती हूँ फिर बाद में सरिता जी आएंगी तो शुरुआत हो जाएगी हाँ पहले फिर लेके शुरू करते हाँ तो तब तक हम वो भी वो मजा लेते हैं स्टोरी का तुलसी विवाह का हाँ हाँ तो सभी लोग आंखें बंद करते हैं और प्रार्थना कर लेते हैं एक लंबी गहरी सांस ले। और छोड़े और एक लंबी गहरी सांस ले पूरी तरह छोड़ दे ओमकार के लिए एक सांस लेते हैं